नमस्कार हमारे इंजीनियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं जहां वॉशिंग मशीन में कुछ ऐसी एरर्स आ रही हैं जिसको डायग्नोसिस करने के लिए आपको आधे घंटे, एक घंटे, दो घंटे वेटिंग करना पड़ रहा है, तो कस्टमर एंड पे ऐसी वेटिंग मत करें। हम आपको कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिसमें आप जो है इस वॉशिंग मशीन को, फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन को जो है डायग्नोसिस मोड पे डाल के आप इमीडिएट चेक कर सकते हैं कि ये एरर कब है, कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में TC1, TC2, TC3 टाइप की एरर आ रही है, ये एरर्स तुरंत भी आ जाती है, कभी कभी ये एरर्स जो है हमारी आधे घंटे, दो घंटे, तीन घंटे बाद भी आती है। तो अगर ये एरर्स आपके तुरंत आ रही हैं तो आप तुरंत चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ समय बाद आ रही हैं तो फिर ये डायग्नोसिस मोड आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें सपोर्ट हमारा आज करने वाले हैं हमारे स्टार ट्रेनर इबक के मिस्टर रहमान। रहमान प्लीज़ आइए और हमारे इंजीनियर्स को बताइए कि डायग्नोसिस मोड हम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में कैसे लगाते हैं और क्या प्रोसेस है इसका। हाय, वेलकम बैक इबक इंडिया। सबसे पहले क्या है कि अगर हमें सबसे पहले कस्टमर की बात समझ, जैसे इस मशीन की अगर हम बात करते हैं, कस्टमर ने कहा कि TC1 का एरर आ रहा है। अब मैं कस्टमर के यहाँ पर जाके विजिट करता हूँ तो TC1 का एरर दो तरीके से आता है, एक स्टार्टिंग में ही आ जाएगा और एक मिडिल टाइम में आएगा। अब मैं 30-40 मिनट में कस्टमर के यहाँ बैठ के वेट नहीं कर सकता हूँ। ये केवल रहमान जी, आप एक चीज़ और बता दीजिए, TC1 एरर जो है केवल TC1 होता है कि TC2, TC3 कई टाइप के आते हैं? ये तीन तरीके के एरर हैं इसमें, TC1, TC2, TC3 और TC4। ये अलग अलग एरर्स हैं। अच्छा, बिकॉज उसमें क्या मशीन्स अलग अलग हैं। अच्छा, तो जो PPTs बनती हैं, जो एरर्स डिसाइड किए जाते हैं जिस हिसाब से PCB के लिए, वो सॉफ्टवेयर एक तरीके से एक ही उसमें लेवल पर डिजाइन किया जाता है। तो उसमें जो सॉफ्टवेयर अपना अपडेटेड होता है PCB के हिसाब से, वो अलग अलग मॉडल्स के हिसाब से होता है। जैसे आपने गाड़ियों में भी देखा होगा, लो मॉडल है, मिडिल मॉडल है, हायर मॉडल है, तो इसी तरीके से वॉशिंग मशीन्स के भी अलग अलग मॉडल्स हैं। किसी में आपका 100% ड्राई है, किसी में सिंगल ड्राई है, तो वो TC1, TC2, TC3 ये चेंज होते चले जाएंगे। ओके, तो ये सारी एरर जो है लगभग हर सॉफ्टवेयर जो भी हो और वॉशिंग मशीन मॉडल जो भी हो उसके लिए पार्ट लगभग एक ही डायग्नोसिस करना है। वो पार्ट एक ही डायग्नोसिस करना है, उसको हम टेम्परेचर सेंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसका जैसा फॉर एग्जांपल इस मशीन की बात करते हैं तो इसमें 100% ड्राई नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या है, अगर मैं स्टार्ट भी करूंगा तो उसका एरर हैंड टू हैंड नहीं आएगा। अच्छा, इंजीनियर हमारे फ्रेंड्स को ये भी बताइए आप, ये जो हम डायग्नोसिस मोड लगाने जा रहे हैं ये केवल TC1 एरर्स के लिए कि या पूरी मशीन में कहीं कोई जो भी फॉल्ट है वो सारी फॉल्ट को जो है हमारे डिस्प्ले पे शो करेगा? नहीं, इसमें क्या एक्चुअली जो हम डायग्नोसिस मोड लगा रहे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम बात करें इसमें TC1 का एरर है तो वो आएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल DC भी है तो DC भी आएगा। कोई भी चीज़ जो इसकी सीरीज से बाहर नहीं जा रही है, मतलब इसके पूरे ओवरऑल वायरिंग के कवर में आ रही है और PCB के सॉफ्टवेयर, PCB क्या करती है, जब हम डायग्नोसिस मोड लगाते हैं तो सारे पार्ट्स को इमीडिएटली सप्लाई देती है और इमीडिएटली वापस मांगती है। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली दोस्तों है कि अगर आपको जो डायग्नोसिस मोड हम बताने जा रहे हैं इसमें वॉशिंग मशीन जो है सेल्फ डायग्नोस करके आपको इमीडिएट खुद बता देगी कि यहाँ पे किस सेक्शन में फॉल्ट है, कौन सी एरर आ रही है। एरर लिस्ट हम आपको जो है शेयर कर देंगे जिससे वो एरर देख के आप जो है डायरेक्ट उसी पार्ट को ही जो है आपको चेंज करना है और रिपेयर करना है। आगे बताइए, एक डायग्नोसिस मोड कैसे लगाएं? इसमें डायग्नोसिस मोड दो तरीके, दो बार करने से लगेगा। पहले सबसे पहले क्या करना है, पावर ऑन के बटन पे आपको एक उंगली प्रेस करनी है, ऑप्शन और शो वाले बटन पे रखना है, आप इन दोनों को रखेंगे फिर ऑन करेंगे, 02 लिख कर आएगा। ठीक है, 02 का क्या मतलब है? 02 एक सॉफ्टवेयर अपडेट है, उसको हम बाईपास कर सकते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे TC1 का एरर आ गया। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर मुझे इंडिविजुअल कुछ चलाना है हम इसको डिले एंड और सोक मोड इन दोनों पे रखेंगे और ऑन करेंगे। अब इमीडिएटली मुझे इसको ये आपका रहा है, तो ये बता रहा है कि मशीन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वायरिंग बीच में से अलग है और वो TC1 की एरर। ओके, ठीक है, ये दूसरा वाला मोड बताया, ये हमें कब ट्राई करना है? ये हमें जब ट्राई करना है जब हमारा जो एरर कोड है वो बीच में आ रहा है, जैसे मशीन चल रही है, चलते चलते रुक गई, एरर शो कर गई। जैसे SC1 है वो बीच में आएगा। और कुछ SC1 एरर ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में आ जाएंगे। जैसे हीटर शॉर्ट हो गया है तो स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो डायग्नोसिस मोड के लिए बेसिकली हमें जो है ये पावर ऑफ ऑन का बटन एक साथ और ये ऑप्शन और शो जी, ये तीन बटन एक साथ प्रेस करने हैं। आपको पहले ये वाला बटन ऑप्शन पे क्लिक करना है, शो पे क्लिक करना है, फिर ऑन का बटन दबाना है। ओके, ठीक है, तो 02 लिख कर आएगा। अच्छा, और मशीन की जो सप्लाई है पूरी बाईपास हो जाएगी, वो हर पार्ट पे जाएगी और उसके बाद जैसे ही आप इसको यूज करेंगे तो TC1 इट मींस मशीन सेल्फ डायग्नोसिस मोड पे चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, हमें पहले पावर ऑन का बटन नहीं दबाना है, हमें सबसे पहले आप यहाँ पे दिखा हुआ है ऑप्शन, शो और पावर,
ये तीनों बटन एक साथ प्रेस करने हैं जिससे कि मशीन जो है सेल्फ डायग्नोसिस मोड पे जाएगी और आपको मशीन के अंदर कौन सी एरर या किस सेक्शन में फॉल्ट है वो इमीडिएट आपको बता देगी। इसमें एक बात और ऐड कर देते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि वॉशिंग मशीन में ये वाली जो आपका टच वाला डिस्प्ले है ये चेंज हो जाता है, कभी कभार मॉडल्स के हिसाब से चेंज होता चला जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन लिखा है, यहाँ पर शोक लिखा है, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ रिंस आ सकता है या आपका डिले एंड इधर आ सकता है, तो उससे कोई कंफ्यूज नहीं होना है। आपका स्टार्ट वाले बटन से पहला और तीसरा बटन ऐसे करना है, बीच मिडिल वाले बटन को छोड़ देना है। यही डायग्नोसिस मोड टॉप लोडिंग में भी होता है कि केवल ये जो प्रोसेस है ये केवल फ्रंट लोडिंग मशीन के लिए ही है? टॉप लोड में भी होता है, बट टॉप लोड का अलग फंक्शन है, डायग्नोसिस मोड के फ्रंट लोड के फंक्शन अलग। तो ये तीसरा पॉइंट, ये जो भी हमने डायग्नोसिस मोड बताया हुआ है ये केवल और केवल फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन सैमसंग के लिए ही अप्लीकेबल है।